हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ पुष्पिंद भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पीजे एंटरटेनमेंट ब्लॉग। हाई दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करता हूँ। उन्हें नहीं और आशा हूँ आप लोग दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। अपने नाई के लिए पीछे वाले मिलिट्री एरिया से देख लीजिए, पूरा मिलिट्री एरिया है। यहीं से ही ब्लॉग की शुरुआत करिए दोस्तों। शाम के रहते हैं जाने की तैयारी है तो आशा दिख नहीं है तो शायद बाइक वाला ब्लॉग नहीं दिख ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं दोस्तों शोरूम की ओर और बढ़ते हैं शोरूम की तरफ। देखते हैं अगर होता है तो बताऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो करते हैं आप लोग को कंटिन्यू दोस्तों फटाफट। Few moments later. गाइस तो पहुंच चुके हैं शोरूम। गला लग रहा है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। वो बस शोरूम में जस्ट अभी पहुंचे ही थे और बस आके बैठी हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं शोरूम में क्या कार के लेकर चल रही है। हालांकि झाड़ पोछे ही लग रहा हुआ तो चलते फटाफट से अंदर और बढ़ते वीडियो में आगे दोस्तों। बस हवा निकल गई। हाँ जी गाइस, तो आज खाने में आलू की सब्जी और रोटी दोस्तों खिले भी बढ़िया से। निकली सब लोग लंच कर रहे हैं फटाफट से, तो करते हैं फटाफट से लंच और फिर मिलता हूँ आप लोगों से मैं सीधा लंच के बाद दोस्तों। और अपन यहाँ बढ़िया से अभी आके बाहर ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। टाइम मिल गया था थोड़ा सा अभी, जस्ट अपना ही नंबर है और देखते हैं कस्टमर आता है। अगर कस्टमर आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा और मैं बता ही दूँगा क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि अभी बस एक ही कस्टमर आया, एक आए थे लेकिन वो रिपीटेड कस्टमर थे जो कि काउंट नहीं होते दोस्तों। देखते हैं शाम तक अगर एक आध आए तो डील भी करेंगे और जो भी होगा उसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा अभी। तो उसी के साथ चलते दोस्तों वापस अंदर और अंदर अपना काम वगैरह करते स्टार्ट। फिर मिलूँगा आप लोगों से, मैं हो सका तो जो भी कुछ अपडेट होगा मैं दे ही दूँगा, जो भी कुछ अपने साथ अपडेट होगा। चलिए दोस्तों चलते वापस अंदर फटाफट से, देख लीजिए धूप कितनी भयंकर। और अपन यहाँ बढ़िया से अभी आके बाहर ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। टाइम मिल गया था थोड़ा सा अभी, जस्ट अपना ही नंबर है और देखते हैं कस्टमर आता है। अगर कस्टमर आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, मैं बता ही दूँगा क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि अभी बस एक ही कस्टमर आया, एक आए थे लेकिन वो रिपीटेड कस्टमर थे जो कि काउंट नहीं होते दोस्तों। देखते हैं शाम तक अगर एक आध आए तो डील भी करेंगे और जो भी होगा उसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा अभी। उसी के साथ चलते दोस्तों वापस अंदर और अंदर अपना काम वगैरह करते स्टार्ट। फिर मिलूँगा आप लोगों से, मैं हो सका तो जो भी कुछ अपडेट होगा मैं दे ही दूँगा, जो भी कुछ अपने साथ अपडेट होगा। चलिए दोस्तों चलते वापस अंदर फटाफट से, देख लीजिए धूप कितनी भयंकर। मस्त प्लान है। हाँ जी गाइस, तो पहुँच चुके हैं बाहर और अभी बज रहा है दोस्तों 8:30। सामने देख लीजिए नेशनल की पार्किंग है और ये है अपना हाईगंज रेलवे स्टेशन वाला रोड दोस्तों। सामने बलसल की बिल्डिंग आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि अंधेरा है दोस्तों। मुझे है नेशनल की पार्किंग और अपनी पार्किंग पहले की तरह से दोस्तों खाली है। आज एक कस्टमर आए थे दोस्तों, कस्टमर के बारे में बात की जाए तो कस्टमर ने वो अपन ने उनके साथ डीलिंग की बट दोस्तों उन्होंने ये बोला कल हम 12:30 तक आएंगे। अभी साड़ी है तो चॉइस में रख लो, ऑर्गेन्जा की साड़ी थी दोस्तों तो वो अभी जस्ट चॉइस में रखवा के चले गए। मतलब आज भी नीलवटे ज़ीरो गए दोस्तों अपन। सामने है मंदिर, ये है पार्किंग और अभी अपना शोरूम खुला हुआ है दोस्तों, देख लीजिए सामने। और जस्ट 10-15 मिनट बाद बंद हो जाएगा दोस्तों। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अभी हो रखा है दोस्तों 29-30 होगा लगभग। हाँ जी दोस्तों, थोड़ी सी गरम गरम है लेकिन अभी गर्मी नहीं है, ठंड हो गई क्योंकि रात हो गई दोस्तों। क्योंकि दिन में थोड़ी सी गर्माहट रहती है लेकिन रात में टेम्परेचर सही हो जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में ठंडक है और आज तो अपन को जल्दी चले आना है दोस्तों क्योंकि संदीप है ही नहीं आज छुट्टी पे। आज अपन को गाड़ी चलाना पड़ेगी अकेले हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों वापस अंदर, आज अकेले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट से अंदर और फिर मिलूँगा आप लोगों से मैं सीधा दोस्तों। क्या बोला तूने? तो हाँ जी दोस्तों, तो हो चुकी है छुट्टी और छुट्टी हो चुकने के बाद अभी अपन लोग आए थे एक बस स्टॉप है, जस्ट वहीं खड़े हुए थे जो अपने शोरूम के पीछे ही है। अपने शोरूम वाली रोड है बस मुश्किल से 150 मीटर दूर होगा। बस यहाँ के खड़े हुए हैं दोस्तों, थोड़ा सा मिलने जुलने हैं दोस्तों वगैरह से, लेकिन सब लोग बैठे हुए हैं, बैठे हैं राम जी और खड़ा अपने। बस यहाँ से 5-1 मिनट बाद फिर दोस्तों हम अपने घर के लिए चलेंगे
क्योंकि आज संदीप है ही नहीं, तो बढ़िया से आज अकेले हैं। और बस यहाँ से हम घर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे दोस्तों दो चार पाँच मिनट बाद, तो फिर फटाफट से मिलूँगा मैं आप लोगों से सीधा दोस्तों घर पर ही। यहाँ से थोड़ा मिलजुल लेते हैं तो मिलता हूँ आप लोगों से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी, तो गाइस तो आ चुके हैं काजू के, दोस्त लेने आए दोस्त में यहाँ पे अपन, तो दोस्त वगैरह तो ले लिए हैं, 50-50 रुपये के अपन ने दोस्त ले लिए दोस्तों। अब फट चलते फटाफट से गए और सीधे तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ट लेना था, आप सीधे घर पी मिलेंगे। यहाँ से मुझको से घर होगा 1.5 किलोमीटर, पानी वगैरह पीना था, पानी पी लिया। चलिए दोस्तों चलते एक घर, अपने आप क्या बोला तूने? तो हो चुके थे अकेले आए थे दोस्तों, क्योंकि गाड़ी के नहीं थी। तो करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी मेरे आने वाले वीडियो करने हैं नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप लोग नहीं था। तो फिलहाल के लिए वीडियो में गुड नाइट, शुभरात्रि एंड सब अफेयर हो रहा दोस्तों। सॉरी खाना खाया थोड़ी टका रहे हैं तो हो रहा दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना तब तक के लिए। महाकाल का सर दबा कर लाकर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।